नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते देश भर में जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और अब उन पर खाने का संकट आ गया है। खुदई देहात थाने के कोरासा गांव के पास जंगल में राजस्थान के जौतारण क्षेत्र के देवासी और गुर्जर समाज के लोग अपना डेरा डाले हुए हैं। ये लोग कई वर्षों से मध्य प्रदेश के इलाकों में भेड़ बकरी ऊँटों को लेकर आते हैं और यहीं व्यवसाय करते हैं। लॉकडाउन के बाद बकरा मंडी बंद होने से इनकी आय खत्म हो गई है। लॉकडाउन होने से शहर और गांव तक खाद्यान्न सामग्री भी लेने नहीं जा पा रहे हैं, जिससे इन लोगों पर खाने का संकट पैदा हो गया था। खुरई तहसील के कोरासा गांव के पास जंगल में फंसे भेड़ पालकों ने फोन के माध्यम से राजस्थान में रह रहे अपने परिवार वालों को हालात के बारे में बताया, जिसके बाद राजस्थान के एक समाचार पत्र ने मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में फंसे भेड़ पालकों की खाने की समस्या को प्रकाशित करने राजस्थान सरकार से इनकी मदद की गुहार लगाई। जैसे ही इस खबर की जानकारी खुरई देहात थाना प्रभारी रोहित मिश्रा को मिली, तो वो अपने स्टाफ के साथ खाने के पैकेट लेकर कोरासा के पास जंगल में फंसे भेड़ पालकों को ढूंढने निकल पड़े। थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने 2 घंटे में भेड़ पालकों तक पहुंचकर डेरे में रह रहे लगभग 35 लोगों को खाना उपलब्ध कराया। साथ ही कोरासा पंचायत के सरपंच और सचिव से बात करके उनके क्षेत्र में फंसे सभी लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने की बात की। देहात थाना प्रभारी और उनके स्टाफ ने वहां फंसे सभी भेड़ पालकों की सूची बनाकर कोरासा सरपंच और सचिव को दे दी है, जिससे उन्हें खाद्यान्न सामग्री मिल सके। अब हम यहाँ पर रहते हुए एमपी में तो पहले से यहीं रह रहे थे। पहले तो हमारा काम चल रहा था, अभी ये मामला होने से हमारा पानी जो राशन पानी आता था वो हम पे ख़त्म हो गया और गांव में बाजार में जा नहीं पा रहे थे और हमारे पास खर्ची पानी आती वो भी तो है ही नहीं। अब तो अभी 5-6 दिन से बहुत परेशान थे। अभी खाना मिल गया? हाँ, अभी हाल फिलहाल भैया हमने कार्रवाई करी 2-3 दिन से, जब यहाँ खाना मिल गया और राशन की ये लोग बोल रहे शाम को आ जाएगा। कितने लोग हो? 30-32 लोग हैं सर। क्योंकि हमारे को फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारे को खाने पीने की इतनी दिक्कत चल रही है और 10-11 दिन हो गए और इतना हमें चल रहे हैं कि ताकि खाने पीने की तकलीफ है, इसकी वजह से। बाकी हमारे पास पहले थे पैसे थे, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद में ऊन वगैरह वगैरह बिकती नहीं तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे। और उसके बाद में हमें जो राशन पानी का पैसे था ख़त्म हो गया। अभी खुरई के जिला पुलिस वाले को आपको क्या कॉल, तो हमारे को कार्रवाई की है, अब खाने पीने की व्यवस्था भी की है। इन लोगों के पास राशन पानी भी नहीं है, खाना ना भी नहीं खाया, तो आके इन लोगों को पहले तो ढूंढा, इनको ढूंढना समस्या थी, मिल गए तो इन लोग खाना ना खिलाया गया, राशन की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। कितने लोग हैं लगभग? ये करीब 35 लोग हैं, राजस्थान से आए हैं, यहाँ पे भीड़ और ऊँट चराने आते हैं। तो क्या ये भीड़ बेच के अपना व्यवसाय करते हैं? अभी इस समय व्यवसाय का बंद पड़ा हुआ है, तो राशन की समस्या हो रही है।